हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कावेरी हालदार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ होम्योपैथी की मेडिसिन थुजा के बारे में। थुजा बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये बहुत ही डीपली एक्ट करती है। तो आज हम जानेंगे कि थुजा को हम किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। थुजा का जो पेशेंट होता है उसको गर्म चीज़ों से आराम मिलता है, मतलब गर्मी के मौसम में उसको बहुत अच्छा फील होता है। जब थुजा का पेशेंट लेटेगा तो अपने पैरों को एक के ऊपर एक रख करके सोएगा। थुजा के पेशेंट को लेफ्ट साइड करवट में लेटने पर आराम मिलता है। तो ये बात करें हमने कि उसमें लक्षणों में कमी कैसे होती है, उसको बेटर कैसा लगता है। अब हम बात करते हैं कि थुजा का जो मरीज है वो किस किस कंडीशन में उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है या एग्रावेट हो जाती है। अब गर्मी में उसको आराम मिल रहा है तो ठंडी से इसके एग्रावेशन होंगे, है ना। ठंडा मौसम में इसको एग्रावेशन होता है। बिस्तर की गर्मी में भी की कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, मतलब बिस्तर की गर्मी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। सुबह के 3 बजे से रोग में वृद्धि होगी। तो अगर मान से लीजिए कि खांसी चल रही है और सुबह की 3 बजे खांसी बढ़ गई है तो थुजा की खांसी हो सकती है। जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं ये आपको थुजा मेडिसिन के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में जितने भी बॉयज़ के कंडीशन होते हैं, कोई भी एक्सेस ग्रोथ होती है, चाहे वो शरीर के अंदर हो चाहे वो शरीर के बाहर हो, उस कंडीशन में थुजा मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो अगर आपको ट्यूमर की कंडीशन हो, चाहे वो ब्रेस्ट ट्यूमर हो चाहे बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो, तो भी आप थुजा मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी इसको ठीक करेगी। और शरीर में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे गठाने उग जाते हैं, साथ में मस्से भी आपने देखे होंगे, है ना, ऐसे फूल गोभी के आकार के ऐसे बड़े मस्से चाहे छोटे मस्से, ये सारी चीज़ों में थुजा बहुत अच्छा काम करती है। आपने थुजा के फूल देखे होंगे, है ना, विद्या का पेड़ जिसे कहते हैं, उसमें ऐसे फूल जिस तरीके से होते हैं बस उसके मस्से भी वैसे ही होते हैं। ये पौधे से मेडिसिन तैयार की जाती है और देखिए कितना अच्छा वो असर करती है। जैसे उसके फूल होते हैं उसी तरह का उसका ग्रोथ होता है, एक्सेस ग्रोथ होता है बॉडी में और उसको वो थुजा ठीक करती है। आप थुजा को एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं, आप थुजा को इंटरनली भी ले सकते हैं। दोनों कंडीशन में थुजा बहुत अच्छा काम करती है। अगर सर में आपके डैंड्रफ होते हैं, ऐसी पपड़ियाँ जम जाती है या फिर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, बंचेस में निकल रहे हैं, ऐसा चांद वाला गंजापन अगर दिख रहा है, है ना, चाहे वो सामने से हो पीछे से हो या हेड के बीच में से हो, उस कंडीशन में भी थुजा मेडिसिन का यूज़ किया जाए तो थुजा मेडिसिन बहुत जल्दी इसको ठीक कर देती है। होम्योपैथिक में 3 मियाज्मे की बात हम मोस्टली करते हैं, सोरासिप्लिस, साइकोसिस। ये जो थुजा मेडिसिन होती है ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, मतलब साइकोसिस मियाज्मा जहाँ पर असर कर रहा है, बॉडी में फेट डेवलप कर रहा है, बॉडी में एक्सेस ग्रोथ प्रोड्यूस कर रहा है, डिप्रेशन की कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो थुजा मेडिसिन से ठीक होती है। जितनी भी गठिया बाद या वात रोग होते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्द होते हैं, इसमें भी थुजा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी के आईब्रोज में ग्रोथ नहीं हो रही है और बालों में ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो थुजा का मदर टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बहुत जल्दी जो है हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस मेडिसिन की अगर मेंटल सिम्टम की बात करें कि क्या क्या मानसिक लक्षण है ऐसा जिसमें हम थुजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, अगर इंसान बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है, साथ में वो डिप्रेशन में भी रहता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, उसको नींद नहीं आती रातों में और साथ में वो सुसाइड भी करना चाहता है, अगर बार बार उसको ऐसे इम्पल्स आते हैं कि मैं मर जाऊं तो वो जान देने की कोशिश करता है, मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट जो करते हैं उनके लिए भी थुजा मेडिसिन बहुत कारगर सिद्ध होती है। हेलुसिनेशन की कंडीशन में भी थुजा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो बहुत एक्सेस मात्रा में पसीना अगर आता है और उस पसीने में बदबू भी आती है तब भी आप थुजा मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके दांतों का क्षय हो गया, उसकी जड़ जो है वो निकल गई है, है ना, दांत वहाँ से घुल गए हैं, तब भी आप थुजा मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप उसको मदर टिंचर भी वहाँ पे लगा सकते हैं, साथ में आप थुजा की मेडिसिन भी खा सकते हैं। थुजा के पेशेंट में अगर आप नेल्स देखेंगे तो उनके नेल्स टूटे फूटे मिलेंगे, है ना, शेप में नहीं दिखेंगे। इस कंडीशन में भी थुजा मेडिसिन दी जाए तो बहुत जल्दी नेल की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये कुछ बात हमने की है थुजा मेडिसिन के बारे में, उसके सिम्टम के बारे में कि आप किस कंडीशन में कहाँ थुजा मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही डीप एक्टिव मेडिसिन है दोस्तों और बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको कभी ऐसा होता है कोई पेशेंट में कुछ लक्षण समझ में नहीं आते हैं, पिकुलर निकल के नहीं आते हैं, लेकिन अगर उनकी बॉडी में कहीं एक्सेस ग्रोथ अगर मिल रही है, डिप्रेशन उनका मेंटल सिम्टम मिल रहा है, तो थुजा मेडिसिन देने से वो बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं और बहुत सारे उनके ऐसे सिम्टम हैं वो निकल करके भी आते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे मेडिसिन के नॉलेज के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।